खरगोन जिले में निजी बैंक कर्मी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूटने का मामला 24 घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी मुकेश मंजरे और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लेकर खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने खुलासा किया है। आईडीएफसी बैंक के अमित भावसार को शुक्रवार की दोपहर में रोड़िया के समूह लोन की वसूली कर लौटने के दौरान दिन दहाड़े दो गोली मार आरोपियों ने बैंक लूट लिया था। गंभीर हालत में युवक को इंदौर रेफर किया गया था। गोगावा थाने के रोड़िया भिकनगांव मार्ग पर छिरुआ के पास जंगल में घटना हुई थी। 26,100 रुपये में से 25,500 रुपये बैंक के जरूरी कागजात और पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिए। एएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने यह खुलासा किया है। समूह लोन के सदस्य ही लुटेरे थे। 24 घंटे में लूट का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की एसपी ने घोषणा भी की है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। घटना में पुलिस ने पर्दाफाश किया सर, आरोपी किस प्रकार सर घटना को आता है? ये कल हमारे गोगावा थाना अंतर्गत जो अहिरखेड़ा चौकी है उसका एक गाँव है रोडिया करके, वहाँ से कुछ दूरी पर हम लोग को एक घटना होने की सूचना मिली थी जिसमें कि एक आईडीएफसी का कलेक्शन एजेंट था जो कलेक्शन करके जब भिकन गांव की तरफ जा रहा था तो उस पर दो लोगों ने उसको रोक कर उस पर फायर किया और उसके पास जो कलेक्शन का पैसा था वो उसके बैग समेत उससे लेकर फरार हो गए। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तत्काल पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंचा। वहां पर जो हमारे पास जानकारी थी उसके आधार पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई आगे की। उसमें हम लोगों ने जो शुरुआती हम लोगों को कुछ जानकारी जो प्राप्त हुई मौके पर कुछ लीड्स मिले उसके आधार पर हम लोगों ने लोगों से पूछताछ करते हुए वहाँ पर सीसीटीवी सर्च किए, उसके आसपास कुछ और जो सबूत मिले उनके बेसिस पे हम लोगों ने दो संदेहियों को आइडेंटिफाई किया और उन संदेहियों को फिर हम लोगों ने उनके लोकेशन पता करके उनको जब उनकी लोकेशन से उठाया उनसे पूछताछ की तो उन्होंने उस जुर्म को करना कबूल किया और जो उनके जुर्म में उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए हथियार था वो हमारे द्वारा उनसे जब्त किया गया और साथ ही में जो कलेक्शन मनी था वो लगभग पूरा हम लोगों ने उनसे जब्त किया है। उनकी योजना हत्या करने की मुख्य रूप से तो नहीं थी, उनकी उसको चमकाकर उससे पैसा छुड़ाने की थी, किंतु जब उसके द्वारा रेसिस्ट किया गया तब इन्होंने उस पर फायर किया और उसके बाद फिर उससे इन्होंने पैसा छीन के फिर वहाँ से ये लोग भाग गए। ये एक्चुअली में जो ये कलेक्शन एजेंट था तो ये उस गांव में सभी लोगों से परिचित था, अधिकतर लोग इसके बारे में जानते थे और उसकी इस जानकारी का फ़ायदा उठाकर इन दोनों के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। एक आरोपी नाबालिग है और उसमें अभी हाल में ही जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो सेंसिटिव केसेस होते हैं सीरियस केसेस होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, तो वो हम लोग अभी देख रहे हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।